बैठाने के लिए लाइन खींचना पड़ता है, उतना थोड़ा सा बैठाई और यहाँ पर रस्सी की सहायता से लाइन खींच रहे हैं। हम सब मैगी बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आपको अच्छा लगेगा। तो सुबह सुबह यहाँ पर सब्जी काटने बैठ गई हूँ, तो आज सब्जी में बनेगा परवल आलू का सब्जी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं सुबह ही वीडियो ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ तो सब्जी का नाम आता है, तो कई भाई बहन का कमेंट भी इसी बात पे आता है। तो जिसे हम ब्लॉगिंग करते हैं दोस्तों सुबह से लेकर दोपहर तक, 1 बजे तक उस वीडियो भी डाल देते हैं, तो जरूरी रहता है जो भी खाते बनाते हैं, सब डेली काम करते हैं उसी तरह आपको दिखाते हैं दोस्तों। अब इससे ज़्यादा हमारे पास दिखाने को कोई नहीं है, तो क्या करते, ना तो कहीं आ जा सकते हैं। परवल आलू काट दी हूँ, यहाँ साइड में रखते हैं। भिगा ली थी शाम को बिया, तो देखिए हमारा बिया भिगाने का तरीका, एक ही बर्तन में सारा बिया भीग गया है। तो ये मूली को भिगाना नहीं था, फिर भी भिगा दी। ये गाजर है, तो चलते हैं सभी पॉलीथीन से पन्नी हटाते हैं बिया को। तो बिया को छान के निकाल दी, एक पर दो पन्नी का बिया निकाली, इसी तरह ये भी दूसरा पन्नी खोलते हैं, इसका भी पानी निकाल देते हैं। बड़ा आसानी से पानी गिर भी जाता है, बिया एक भी नहीं जाएगा। नदी के दिखाओ, तो देखिए ये मेथी पालक है, और जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा यही रख देंगे, ये निकलता जाएगा। इसको भी इसी तरह लुढ़का के रख देते हैं, इसी तरह निकालते जाएंगे, बिया को रखते जाएंगे। तो आज बच्चों का छुट्टी है, घर पे हैं, तो मैं सोची ये काम कर लेंगे, बच्चों के मदद से कुछ अपना करेंगे, और अकेले मैं नहीं कर पाती, पहले कर लेती थी, जब से ऑपरेशन हुआ है तब से अब दिक्कत पड़ गई। गुंजन यहाँ पर तड़का काट रही है सब्जी के लिए, तो चाय यहाँ पर धर दी है, एक दो फाल आ गया है, उबाल आ रहा है चाय में। तो बड़े आसानी से एक बर्तन में देखिए 6 प्रकार का बिया भिगा दी, और बिया में क्या क्या है आप सबको बताती हूँ। यहाँ पानी छान लेते हैं, देखिए एक भी बिया बाल्टी में इसमें नहीं आया। ये गाजर का बिया है, ये मटर है, मूली है, धनिया है, ये पालक है, सोया मेथी, प्याज का बिया है। तो देखिए प्याज का बिया कुछ इस तरह से है। तो इतना बिया भिगाई, अब चलते हैं खाना बनाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। तो ये लहसुन, इतना ही लहसुन मान के चलिए ये 120 रुपये का है। तो इतना बिया हमें बोना है, आज काम करना है खेतों का। तो दोस्तों यहाँ पर चाय गुंजन छान रही हैं, सब्जी में तड़के जा रही हूँ, चाय नाश्ता करने जा रहे हैं, चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हम सब चाय नाश्ता कर लिए, सब्जी भात उधर पक गया है, और आज दाल इसीलिए नहीं बनाए कि काम ज्यादा है, तो रोटी गुंजन बनाएगी, और हम यहाँ पर सारा सामान ले लिए हैं, अब चलते हैं खेत। तो चल रहे हैं, सारा कपड़ा धो के यहाँ फैला दी सूखने के लिए, अंजली भी पुरा लेगी। तो दोस्तों वहाँ से इधर पूरा मेढ़ी बना लिए हैं, ये इधर गुंजन गुड़ाई कर रही हैं, और हम सब मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं, बीच पर मेढ़ी बना रहे हैं। तो गुड़ाई करके देखिए इतना सिंपल बना दिए हैं, पहले बैठाएंगे लहसुन फिर दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन की बुआई कर रहे हैं, निशान लगा लिए हैं, ये देखिए इधर, और यहाँ पर बुआई कर रहे हैं। तो
तो लहसुन बैठाने के लिए लाइन खींचना पड़ता है, उतना थोड़ा सा बैठाई और यहाँ पर रस्सी की सहायता से लाइन खींच रहे हैं। रस्सी रसरिया दिखाओ नदी के, मैं हली तो यहाँ रस्सी सीधा सीधा लाइन खींच जाएगा। तो लाइन खींचने के बाद में हाथ से यहाँ निशान लगा देते हैं। निशान लगा दिए हैं, अब चलते हैं निशान के हिसाब से, और पैर उस पर रस्सी पे जहाँ पर निशान लगा है नहीं रखेंगे, नहीं मिट जाएगा। लहसुन प्लेट में ले ली हूँ, इसी तरह जल्दी जल्दी चलते हैं, बैठा लेते हैं। तो दोस्तों पूरा लहसुन बैठा चुके हैं, लाइन भी खींच चुके हैं, यहाँ कोने पे बैठा रहे हैं, दो चार और बैठाना है गोदी। और ये ऐसा काम है कि कर लो दिखेगा नहीं कि कितना काम हुआ क्या हुआ। तो सब संभल कर दी थोड़ा, तो चलते हैं अब बुआई करते हैं। यहाँ पर रखते हैं और इसी मेढ़ी पे बुआई करेंगे। तो यहाँ बिया की बुआई कर रहे हैं मटर का, तो पहले एक नाली बुआई कर देते हैं। तो यहाँ बिया की बुआई कर दिए हैं पालक का, मटर उधर बो दिए हैं, इधर बिया की बुआई करके गुड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ बुआई करके चले आए हैं, यहाँ नाली बना रहे हैं क्योंकि आधे खेत में नमी है, आधा खेत में नमी नहीं, तो सिंचाई करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ लाइन बना रहे हैं, वहाँ तक बनाते हुए जाना। हम सब मेढ़ी बना रहे हैं, मम्मी मीठा चांदनी। तो उतना सारा नाली बना आए हैं, देखिए इधर बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मेढ़ी बना चुके हैं लाइन, देखिए इधर नमी ज़्यादा है, बीच में नहीं है, तो वही सिंचाई करना है। तो दोस्तों खेत से आ गई हूँ, अब कपड़ा धुल लेते हैं, और हमें धुलना जल्दी है तो हम पानी भर के नहीं धुलेंगे, मोटर से ही धुल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो वैसे भी पेड़ का पौधे का सिंचाई होता है, पानी बेकार नहीं होता। दोस्तों धुल रहे हैं, बच्चों को कल स्कूल जाना है, आज छुट्टी है तो साफ नहीं रहेगा ड्रेस, तो जाएंगे कैसे वैसे। दिन के एक बज गया है, हम सोच रहे हैं सूखेगा कैसे, धो लेते हैं जल्दी जल्दी कपड़े को। तो दोस्तों यहाँ पर कपड़ा धो कर रख दी हूँ, बाकी कपड़ा धुली थी सुबह और यहाँ पर फैलाई हूँ। तो आज सारा दिन उसी काम में लग गया, खेत के काम में बुआई करना ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि इसी समय सब्जी का और बाकी बोना ज़रूरी है। तो दोस्तों कपड़ा धुल के यहाँ बैठ गई खाना खाने में, तो सुबह दिखाई थी आलू परवल और सब्जी रोटी बना था, यहाँ 2 बजे खाना खा रही थी, तो अभी खा के वीडियो भेज देंगे, यही कर रहे हैं, बस खाना खा लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना, इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। कल वाले कमेंट में सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए, सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, तुम कॉपी से लेके उड़ना करे कर पुलिस मार।